सर अगले साल टाइगर 3 आ रही है, कितने एक्साइटेड? काफी ज्यादा है, मजा आने वाला है टाइगर 3 को लेकर। सलमान खान ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था, बाद में ट्विटर और सब जब फेसबुक पे भी डाला, हम सभी ने देखा कि उन्होंने एक ग्लिम्स डाला था यशराज बैनर से पहले, सलमान खान ने खुद डाला था। तो आप समझ जाइए यशराज बैनर कुछ नहीं है, सलमान खान की फिल्म भले ही यशराज बैनर प्रोड्यूस करता है, वो टाइगर फ्रेंचाइज उनकी है, लेकिन सलमान खान सलमान खान है। तो उन्होंने शेयर किया 15 अगस्त को, मजा आया, 10 साल हो चुके हैं टाइगर को, मजा आने वाला, शानदार फिल्म होने वाली, काफी बढ़िया होने वाली। और मैं पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि बॉलीवुड का जो सूखा है ना, ये जो सालों से, जो अभी सालों से क्या, हाँ सालों से ही कह लो आप, जो चल रहा है इक्का दुक्का ही फिल्में चल रही हैं, जो ब्लॉकबस्टर टाइप की हो गई, या सूर्यवंशी चल गई थी एक अच्छी, बाकी तो कोई चली नहीं ऐसी कोई खास फिल्म, कश्मीर फाइल्स तो है ही, कह ही नहीं सकते कि बॉलीवुड की फिल्म है, तो ऐसी कोई हिंदी फिल्म चली नहीं पा रही है। लेकिन सलमान खान की ये फिल्म वो सूखा खत्म करेगी बॉलीवुड का, ऐसा मुझे लगता है। और ये बायकॉट बायकॉट ट्रेंड जो कर रहा है उसका कोई सेंस नहीं है, ये टाइगर को लेकर जो बायकॉट बायकॉट कर रहा है, घंटा कुछ भी नहीं होने वाला है, फालतू की बेवकूफाना बातें हैं, और मेरे को सेंस समझ में नहीं आता उसको क्या बायकॉट आप करोगे। देखिए आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, इनको बायकॉट करना, और रक्षाबंधन को भी बायकॉट करने का चल रहा था, और ये सब तो वो समझ में भी आता, सेंस समझ में आता है कि अक्षय कुमार खुद भी उस वो हरकतें उनकी ऐसी हैं, क्या बोले चलो खैर। लेकिन आमिर खान का तो सही में मैं तो वाकई में कहूँगा कि बायकॉट करने का सेंस बनता भी है, क्योंकि वो कुछ भी फिल्म में दिखा दे भैया, अपने फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रीमेक बना रहे, उसमें उसने अपने लेफ्टिनेंट डैन को बचाया था, अपने ऑफिसर को, आर्मी के बड़े ऑफिसर को, जो उससे गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके पाव टूट गए, उसने जान बचा ली उसकी, वहाँ इन्होंने भैया वो पाकिस्तान के सोल्जर को उठा लिया। अरे क्यों अपना एजेंडा घुसाने की कोशिश करते हैं, अपना लेफ्ट का एजेंडा जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करते, बड़ा वो दिखाने की कोशिश करते, और वो सेंस नहीं है। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे भारत पाकिस्तान की एकता से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल दिखाओ, एकता दिखाना चाहिए, लेकिन आप क्या बेवकूफ़ साबित कर रहे हो आप अपनी आर्मी को कि भैया तो पगलेट और ऐसा, और ये इनको आर्मी में बड़ा आराम से ले लिया, फिर वहाँ से वो लेके आ गया। यहाँ इंडिया के जो आर्मी वाले उनको तो कोई होश ही नहीं है, जासूसी वालों को पता ही नहीं है कि देखो वहाँ लेकर आ गया, यहाँ रह रहा है अपनी मर्जी से, वापस पाकिस्तान चला गया। जबरदस्ती के एजेंडे वाली फिल्में बनाते हैं, इसलिए ऑडियंस जो है इनको नकार देती है पूरी तरीके से, और वाकई में नकारना भी चाहिए, और ऑडियंस ने बता दिया है वाकई में कि ऐसी फिल्में नहीं चलेंगी। और फाइनली मैं आपको बता दूं, आप अगर सलमान खान की फिल्में देखेंगे तो किसी फिल्म में कोई एजेंडा या ऐसी चीज़ें नहीं होती है कभी भी, एक प्रॉपर फैमिली फिल्म बनाता है जिसमें कोई अश्लील चीज़ें नहीं होती, ना कोई जबरदस्त किस सीन्स वगैरह, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, प्रॉपर आप फैमिली के साथ बैठकर कभी भी देख सकते हो, हमेशा एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट होता है, वो एक एंटरटेनमेंट देता है जो दर्शकों को चाहिए। भाई दर्शक फिल्म देखने क्यों, आम दर्शक क्यों फिल्म देखने जाता है, वो आपका एजेंडा अपने दिमाग में भरने के लिए नहीं जाता, वो एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, वो सलमान खान देते हैं अपनी फिल्मों से। टाइगर 3 एकमात्र ऐसी फिल्म होगी, मैं गारंटी शर्त लगा के कह सकता हूँ, अगर किसी बॉलीवुड फिल्म में अभी कमा भी लिए ना 100 करोड़ तो बड़ी बात होगी, लेकिन जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है ना वो टाइगर 3 ही होगी सलमान खान की, और वो ब्लॉकबस्टर काफी बड़ी साबित होगी, और ऑडियंस को भी फिल्म बहुत पसंद आ रही है।